बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे नर्मदा पट्टी क्षेत्र के ग्राम भीलखेड़ा के मनोज पटेल का पंजाब कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए दूसरी बार चयन हुआ है। आगामी माह में उन्हें रोमानिया पहुंचकर स्पर्धा में शामिल होना है। उसके पूर्व में तुर्की के लिए चयन हुआ था। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर चुके 6 पदक। बड़वानी के समीप भीलखेड़ा में रहने वाले मनोज पटेल ने राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में चौथी बार भाग लिया। इस बार फिर उसने दोनों हाथों से पंजा रेसलिंग में 2 रजत प्राप्त किया। मनोज का चयन अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियनशिप की सितंबर माह में रोमानिया में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उसके पिता खेती करते हैं। परिवार की कमजोर स्थिति के बावजूद संघर्ष कर ग्वालियर व खंडवा में कृषि संकाय में बीएससी और एमएससी पूर्ण की। वर्तमान में वे जिले के सेंधवा में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण कार्यालय में सर्वेयर के रूप में कार्यरत हैं। मनोज ने प्रारंभिक दौर में संभाग स्तर पर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में रजत व कांस्य के 3 पदक हासिल किए हैं। वर्ष 2016 में नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में उनका पहली बार चयन हुआ। वहां उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। इसके बाद वर्ष 2017 में दिल्ली में आयोजित स्पर्धा में कांस्य और वर्ष 2018 में लखनऊ में आयोजित स्पर्धा में रजत पदक के साथ द्वितीय स्थान पर रहे थे। वहीं गत वर्ष 2018 में पहली बार उनकी तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में चयन हुआ, लेकिन आर्थिक व अन्य परेशानियों के चलते शामिल नहीं हो पाए। इस वर्ष भी रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उनका चयन हुआ है। खिलाड़ियों को रोमानिया जाने के लिए उन्हें अनुमानित 2 लाख रुपये से अधिक खर्च होगा, जिसकी फिलहाल उनके पास व्यवस्था नहीं है। मनोज ने बताया कि जल्द ही खेल विभाग, प्रशासन और सांसद विधायक के संपर्क कर सहयोग की गुहार लगाएंगे। अगर कहीं से सहयोग नहीं मिला तो दूसरी बार फिर वे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से खेलने में वंचित रह जाएंगे। खास बात है कि सीधे पैर से दिव्यांग मनोज अपने दोनों हाथों से वरेस्टिंग करते हैं। इंडियन आर्म वरेस्टिंग फेडरेशन द्वारा स्पर्धा में आयोजित कराई जाती है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में फेडरेशन संचालित है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। पटेल साहब, अभी आप कहाँ, कौन सी प्रतियोगिता में गए थे, वो प्रतियोगिता का नाम क्या है? नेशनल आर्म रेस्लिंग चैंपियनशिप भिलाई छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, जो 43वां। उसमें मैंने दोनों हाथों से सिल्वर मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता इसके बाद में आपका चयन कहाँ हुआ? इसके बाद रोमानिया सितंबर में होगा ना, 41वीं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप रोमानिया। इसके पहले आपने प्रतियोगिता में कौन कौन से पदक जीते, कब कब जीते हैं? इसके पहले 2016 से कंटिन्यू नेशनल खेला है मैंने। इसमें 2016 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है, 2017 में ब्रॉन्ज रहा है, 2018 में राइट एंड लेफ्ट हैंड से सिल्वर मेडल रहा है, और 2019 में भी राइट एंड लेफ्ट हैंड से सिल्वर मेडल रहा है। 2018 में आपका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था? जी, 2018 में तुर्की के लिए हुआ था मेरा सिलेक्शन, पर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं जा पाया। आर्थिक स्थिति में शासन प्रशासन से आपको कोई सहयोग नहीं मिला किस काम के लिए? शासन से सपोर्ट मिला है, छुट्टियों वगैरह टाइम से मिल जाती थी जाने आने के लिए, पर आर्थिक रूप से नहीं हो पाया। क्यों नहीं, कोई काम बता सकते क्या, क्यों नहीं? शासन का क्या कहना है? शासन का कहना है इसको अभी राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित नहीं किया गया, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपका चयन कहाँ हुआ? अभी रोमानिया के लिए हुआ है। कब होगी प्रतियोगिता? तो सितंबर में। तो उसको जाने के लिए अभी क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आपसे, क्या आप आर्थिक रूप से जा सकते हैं सप्तम में? सप्तम तो नहीं होना था, सपोर्ट मिल जाए तो कुछ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, कौन सा मेडल जीतना चाहते हैं? गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ देश के लिए। सपोर्ट मिल जाए तो मैं 100% गोल्ड मेडल लाते हूँ। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं डेली।